खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैंचियाँ हमें खाक उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। आज फिर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो क्वेश्चन आगे की तरफ हम करेंगे। आज फिर हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब पहले हमको पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या जो दो से शुरू होती है, दो के गुणज में होती है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या होगी जो दो के गुणज में होगा। और वही विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम संख्या हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है 50 तक के सभी, अब 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग कैसे लिखेंगे, अब दो से शुरू करेंगे, 2 + 4 + 6 + ऐसे ही करके 50 तक जाएगा, इसका ही योग पूछ रहा है। इसे करने का हमें दो तरीका है, या तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, 2, 3, ऐसे कर करके 25 तक यहाँ बच जाएगा। जब 25 बच जाएगा तो ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा n(n+1)/2 के फॉर्म में, क्योंकि 1, 2 से 3 से n तक की संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n(n+1)/2। तो हम यहाँ से कर लेंगे 2 × n, कितना है 25, 25 × 25 + 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 25 × 26/2, 2 से 2 कट जाएगा, 25 और 26 का गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 650। तो ऑप्शन ए इज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 50 तक के सभी सम संख्या, तो 2 + 4 + 6 ऐसे कर करके 50 तक, तो इस संख्या डायरेक्ट हमको अगर कॉमन नहीं लेने आता है, डायरेक्ट हमको निकालना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमको करना होगा इसका एक फॉर्मूला, एक ट्रिक। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना है, 1 + last / 2 × number of term, माने जितना संख्या दिया रहे, 25 दिया रहे, 30 दिया रहे, 40 दिया रहे, तो ये एक ट्रिक, ये भी ट्रिक या फॉर्मूला बोलें या इसको ट्रिक बोलें। ठीक है, तो आइए इस पे करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 2, तो 2 + लास्ट नंबर क्या है, 50 / 2, कितना नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि 2 से 50 तक कितना संख्या हो जाएगी, 25, तो यहाँ से हो जाएगा 52/2 × 25, 2 से 52 को काटेंगे 26 बार में, यहाँ से 26 × 25 = 650, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर 100 तक के सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 100 तक के सभी सम संख्या, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, 2 से 2 सम संख्या होती है, यानी जो 2 के गुणज में होता है वही सम संख्या होती है, 2, 4, 6, ऐसे करके 100 तक जाएंगे। अब हमको पता है लास्ट वाले क्वेश्चन में हम किए थे 1 + last / 2 × number of term, जितना नंबर ऑफ टर्म दिया रहे, जितना संख्या दिया रहे, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, पहला संख्या क्या है हमारा 2, लास्ट संख्या है 100 / 2, और 1 से 100 तक में कितने सम संख्या होगी, 1 से 100 तक में 50 सम संख्या होगी और 50 विषम संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से 50 का गुणज में आ जाएगा, तो यहाँ 102/2 × 50, 102 को 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 51 बार में, तो 51 × 50
बराबर क्या हो जाएगा, जीरो का जीरो, पाँच एकम पाँच, पचास पच्चीस, यानी 2550। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से दो कॉमन ले लिए, अगर यहाँ से दो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक दो तीन, ऐसे ही कर करके यहाँ बचेगा 50। अब ये दो, ये किस फॉर्म में आ गया, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के फॉर्म में आ गया, ठीक है, कि कंटिन्यू एक दो तीन करके 50 तक कोई संख्या दिया रहा है तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू फॉर्मेट में आ जाता है। तो चलिए अब इसको भी करते हैं, n क्या हो गया 50 और n प्लस वन 50 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब इसको करेंगे, इसको डायरेक्ट हम यहाँ काट देते हैं, दो से दो को काट दिए तो बच गया कितना 50 गुना 51, तो हो जाएगा 2550, ठीक है। या इसको उस मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू इंटू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, या इसको अगर कॉमन लेने लायक रहा तो उसको कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि 60 तक के सभी विषम संख्या, अब ये विषम संख्या का योग क्या होगा। अब विषम संख्या क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है, विषम संख्या एक से स्टार्ट होता है, एक तीन पाँच सात नौ, ऐसे करके 60, 60 सम संख्या है तो उससे पहले वाली संख्या विषम संख्या क्या होगी, 59, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू गुने नंबर ऑफ टर्म, जितना संख्या दिया रहे, ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। इसको हमेशा इसको याद नहीं भी रखना है, सिर्फ पहली संख्या देखना है, लास्ट वाली संख्या देखना है, दोनों को जोड़ के दो से भाग दे देना है और जितना संख्या दिया रहे उतना कर देना है, ठीक है। तो पहली संख्या मेरा क्या है, एक, लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, 59, और ये रहा दो। अब कितना टर्म है, एक से लेके 59 तक अगर 60 संख्या दिया रहे तो 60 में 30 कितना होगा, 30 सम हो जाएगा और 30 विषम होगा, तो यहाँ विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब एक और 59, 60 डिवाइडेड बाई टू गुना 30, दो से 60 को काटेंगे 30 बार में, तो 30 गुना 30 बराबर क्या हो जाएगा, 900, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब 100 तक के सभी विषम संख्याओं का, अगर कोई संख्या 100 दिया रहे, 100 संख्या दिया है तो इसमें 50 संख्या सम होगा और 50 संख्या विषम होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है एक से 100 तक के सभी विषम संख्या, तो कितना विषम संख्या कितना होगा, विषम संख्या होगा 50, ठीक है। तो अब करते हैं, तो एक तीन पाँच सात, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू गुना नंबर ऑफ टर्म कितना है, 50, तो ये हो जाएगा 100/2 गुने 50, दो से 100 को काटेंगे 50 बार में, तो 50 गुने 50 बराबर 2500, तो ऑप्शन ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 45 का योग क्या होगा। अब इसका क्या होगा, अब देखिए 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस 45, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा फर्स्ट नंबर कितना है, 11, लास्ट हमारा कितना है, 45, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू गुने जितना नंबर संख्या होगा। अब देखिए यहाँ 11 से शुरू हो रहा है, 11 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 संख्या इधर है, लेकिन वो 10 संख्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो वो 10 संख्या को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, कितने नंबर से, टोटल नंबर से, टोटल नंबर 45 है और 10 इधर से माइनस कर देंगे, तो 45 माइनस 10 35, यानी कि टोटल नंबर ये कितना है, 35 है। अब इसको जोड़ेंगे, 11 45 कितना हो जाएगा, 5 1 6
पाँच एक छः, चार एक पाँच, छप्पन बट्टा दो गुने पैंतीस। अब छप्पन को दो से काटेंगे अट्ठाईस बार में, तो हो जाएगा अट्ठाईस गुने पैंतीस। अट्ठाईस और पैंतीस से गुना करेंगे तो क्या होगा, अट्ठाईस और पैंतीस से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 980। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अब क्या दिया है, 10 तक के सभी विषम संख्या कितना होगी, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। 10 तक के विषम संख्या कितनी होगी, 5। अब बोल रहा है कि सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लिख लेते हैं। अगर कोई संख्या दे रहा है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस ... यानी विषम संख्या दिया रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है n(4n²-1)/3। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कभी भी विषम संख्या के बारे में पूछ ले, कि विषम संख्या के वर्गों का योगफल के बारे में पूछे, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा n(4n²-1)/3। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, इस फॉर्मूला को हम यहीं लिख के रखते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन यही है कि 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर का योगफल हमको चाहिए। कितना संख्या दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर कितना हो जाएगा, 5। फिर 4 × 5² - 1/3। अब देखिए 5 × 50 = 25, और 25 × 5² = 25, और 25 × 4 = 100। 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 − 1/3। तो क्या यहाँ पे बन रहा है, 5 × 99/3। फिर 99 को हम 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 33 बार में, और फिर 33 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 165। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा इसका। समझ में आया, कभी भी फॉर्मूला कभी भी पूछे कि विषम संख्या के वर्ग का योगफल, तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर ... n(4n²-1)/3, और इसी पे पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए, अगर कोई क्वेश्चन ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ... 10 स्क्वायर, इसका मान दे दिया 385, तो पूछ रहा है कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर ... 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जबकि एक का वैल्यू दिया है और दूसरे का पूछ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + ... + 20 स्क्वायर, इसको लिख लिए। तो यहाँ से हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + ... 10 का स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारा जो गिवन दिया है, इसका मान कितना दिया है, 385। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका वैल्यू हमें दिया है 385। तो अब इसको गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 के 0 ; 2 4 × 32 = 34 ; 34 × 3 = 12 ; 3 = 15, यानी कि 1540 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसका कल हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, उसको मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। पिछले वाला कल वाले वीडियो में हमें पता है कि कोई भी संख्या दिया रहे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर उसका स्क्वायर में है ++ · n² तक वो संख्या जाती है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n(n+1)(2n+1)/6। ठीक है, ये कल हम पढ़े थे। ठीक है, उसी पे अगर मान लीजिए यही संख्या दिया है, हमको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, हमारा संख्या कितना दिया है 10, तो ये 10 + 1, ये 10 + 1 × 2 × 10 + 1
डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 10 दुना 20 और एक 21, 21 बट्टा 6, 2 तिया 6, 2 5 10, 3 7 21, 7 5 35, 35 11, 350। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर दिया रहे n नंबर तक तो उसका कैसे हम निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें शॉर्ट ट्रिक का। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।